Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Well, I'm your moral value teacher, and today we are going to read a new story from our moral value book. Okay, so turn to page number 53, chapter number 9, Pride Comes Before a Fall. Okay, turn to page number 53 and chapter number 9, Pride Comes Before a Fall. Okay, so through this chapter we will learn that we should never look down upon others. Okay, never ignore good advice, and never hurt the feelings of others to be proud of our abilities. Okay, so good morning class 4 students, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में. आज हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं हमारे मोरल वैल्यू बुक से, और इसीलिए मेरे साथ खोलेंगे पेज नंबर 53, चैप्टर नंबर 9, प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल. खोलिएगा पेज नंबर 53, चैप्टर नंबर 9, प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल. सो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए. और हमें कुछ अच्छी एडवाइस कोई देता है, कोई अच्छी सलाह देता है, तो उसकी बातों को मानना चाहिए, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो. हमें अच्छी एडवाइस अगर कोई दे रहा है, अच्छी सलाह कोई दे रहा है, तो उसे मानना चाहिए. और तीसरा कि हमें किसी दूसरे की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहिए, और अपने आप की बड़ाई नहीं करवानी चाहिए. किसी दूसरे को हर्ट करके, अरे तुमसे क्या होगा, लाइक दैट, तुम क्या कर सकते हो, इससे अच्छा तो हम कर लेंगे, लाइक दैट, ऐसा फीलिंग नहीं होनी चाहिए. हमें अपने आप को प्राउड करने के लिए, अपनी एबिलिटी को प्राउड करने के लिए, एबिलिटी को प्राउड करवाने के लिए किसी दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो ये सारी चीजें आज हम लोग आज के इस वीडियो लेसन में सीखेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजेदार स्टोरी है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्लास. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी and I'll explain everything in Hindi also. तो students, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ और मैं आपको सारा चीजें हिंदी में explain भी कर दूंगा. ठीक है? Okay? तो ये जो chapter है, chapter का नाम क्या है? Pride comes before a fall. तो चलिए शुरू करते हैं. Far away from the town was a big banyan tree. Far away from the town was a big banyan tree. Its branches spread far and wide in all directions. It was the only tree in that area. So hundreds of birds had made their nest in its branches. All these birds lived happily. On the same tree, there also lived a bird that was different. This bird was very beautiful. It had shiny gold feathers. It could also fly very swiftly and sing very sweetly. It thought itself to be the best bird in this world. So it has its nests on a separate branch. It did not allow any other birds to perch on that branch. Full of self-pride and pride, it looked down upon all other birds. So, far away from the town was a big banyan tree. गांव से या फिर टाउन से बहुत दूर कहीं पर एक बड़ा सा बनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था. और ये जो बरगद का पेड़ होता है ये काफी बड़ा होता है, हम लोग जानते हैं. तो बड़ा सा बरगद का पेड़ था और इसकी ब्रांचेस जो थी, इनकी जो शाखाएं थी, वो चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैली हुई थी. मतलब काफी बड़ा था
और उसमें बहुत सारी शाखाएं थी। इट वॉज द ओनली ट्री इन दैट एरिया, और ये उस जगह का सबसे मतलब एकमात्र पेड़ था जिस जगह पे ये पेड़ था, उस जगह पे ये एकमात्र पेड़ था जो इतना बड़ा था। हो सकता है और भी छोटे मोटे होंगे लेकिन ये सबसे बड़ा पेड़ था उस एरिया का और एकमात्र पेड़ था। सो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स हैड मेड देयर नेस्ट इन इट्स ब्रांचेस, तो वहां पर सैकड़ों चिड़ियाओं ने अपना घर बना के रखा था उस पेड़ पर। ऑल दिस बर्ड लिव्ड हैप्पीली, और सारी चिड़ियां वहां पर बड़ी खुशी के साथ रहती थी। ऑन द सेम ट्री, उसी पेड़ पर देयर ऑल्सो लिव ए बर्ड दैट वॉज डिफरेंट, और उसी पेड़ पर एक और चिड़िया रहती थी जो कि थोड़ी अलग थी। द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटिफुल, और वो जो चिड़िया थी वो बहुत खूबसूरत थी। इट हैड शाइनी गोल्ड फेदर, और उसकी शाइनी गोल्ड फेदर्स थे, मतलब उसके जो पंख थे उनके जो पंख थे वो गोल्डन कलर के थे, गोल्ड कलर के थे। देख रहे हैं ये चिड़िया गोल्डन है, रो रही है लेकिन। इट कुड ऑल्सो फ्लाई वेरी स्विफ्टली एंड सिंग वेरी स्वीटली, और वो बहुत तेजी से उड़ सकती थी और बहुत अच्छा गाती भी थी। तो वो डिफरेंट थी, वो बहुत तेजी से उड़ भी सकती थी और बहुत अच्छा गाती भी थी। इट थॉट इटसेल्फ टू बी द बेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, और वो अपने आप में ये सोचती थी कि वो दुनिया की सबसे अच्छी चिड़िया है, तो वो ये ऐसा सोचती थी। सो इट हैज इट्स नेस्ट ऑन ए सेपरेट ब्रांच, और उसने क्या किया था कि एक अपना एक ब्रांच, पूरी एक शाखा पर सिर्फ एक अपना सेपरेट ब्रांच पर एक घोंसला बनाया था। और सब लोग क्या थे कि एक ही ब्रांच पे एक कोना में इधर बना लिए, एक जन इधर बना लिए, एक जन इधर बना लिए, लेकिन इसने अपना एक सेपरेट ब्रांच पर, एक अपनी ब्रांच पर एक घोंसला बना के रखा हुआ था। इट डिड नॉट अलाउ एनी अदर बर्ड टू प्रिच ऑन दैट ब्रांच, और वो ये जो चिड़िया थी, ये गोल्डन बर्ड या गोल्डन फेदर वाली बर्ड, तो ये जो चिड़िया थी ये दूसरों को उस डाली पर, शाखा पर घोंसला बनाना नहीं देती थी, किसी और को अलाउ नहीं करती थी कि नहीं 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 यहां मत बनाओ, कहीं और बनाओ, ये वाला मेरा है, ऐसा करके। फुल ऑफ सेल्फ प्राइज एंड प्राइड इट लुक्ड डाउन अपॉन ऑल अदर बर्ड्स, और उसके अंदर बहुत सारा घमंड था, मतलब सेल्फ प्राइडनेस थी। और वो क्या करती थी, बाकी सारी चिड़ियाओं को नीचा समझती थी, कमजोर समझती थी, या फिर बोलती थी अरे ये लोग कैसी दिखती है, कैसा रहती है, हम तेजी से उड़ सकते हैं, मेरा गाने का पावर बहुत अच्छा है, तो ये सब सोच के बाकी सब चिड़ियाओं को वो नीचे समझती थी। इट डिड नॉट मिक्स और मेक फ्रेंड विथ एनी ऑफ देम, और वो जो चिड़िया थी गोल्डन चिड़िया, वो किसी और चिड़िया के साथ में मिक्स नहीं होती थी, मतलब उनसे बात भी नहीं करती थी, ना ही उनको दोस्त बनाती थी, किसी और के साथ मिक्स नहीं होती थी, पूरा सेल्फ प्राइड में वो एकदम डूबी हुई थी, सेल्फ प्राइडनेस में। टर्न टू नेक्स्ट पेज। ऑन वन डे द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट, एक दिन मौसम बहुत ही सुहावना था, कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड द ट्री मर्मर्ड ए सॉफ्ट ट्यून, और मौसम बहुत सुहाना था और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, और जो पेड़ थे वो गुनगुना रहे थे धीरे से। ऑल द बर्ड्स वेर प्लेइंग हैप्पीली, और जो सारी चिड़ियाएं थी वो खुशी के साथ झूम रही थी, खेल रही थी। फ्लाइंग हेयर एंड देयर, और जो चिड़ियाएं थी वो सब खुशी के साथ इधर उधर खेल रही थी, उड़ रही थी इधर से उधर, उधर से इधर। दे इनवाइटेड द बर्ड विथ गोल्डन फेदर्स बट ही फ्लू अवे सेइंग, उन लोगों ने, वो जो सारी बाकी जो चिड़िया थी वो एंजॉय कर रही थी मौसम को, इतना सुहाना मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो बहुत मजेदार मौसम में उन लोगों ने, जैसे वो नाच रही थी, मस्ती कर रही थी, तो उन लोगों ने भी गोल्डन बर्ड को इनवाइट किया कि आओ 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 नाचने चलते हैं, हम लोग सबको ही नाचेंगे, मजा आ रहा है, कितना अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। तो उन लोगों ने इनवाइट किया इस गोल्डन बर्ड को, लेकिन ये तो प्राउड में है,
ये तो पूरे अपने गर्व में है, अपने आप में पूरा घमंड कर रही है। तो इसने कहा, I am so beautiful, I don't want to play with ugly birds like you। और उसने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, उसने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूं और मैं तुम्हारे जैसे अगली बर्ड के साथ में, तुम्हारे जैसे भद्दी बर्ड के साथ में, तुम्हारे जैसे बदसूरत चिड़ियाओं के साथ में मैं खेलना नहीं चाहती। मैं बहुत खूबसूरत हूं, ऐसा उसने कहा। द बर्ड फेल्ट वेरी बैड, उन चिड़िया ने उसको बहुत बुरा लगा कि भाई ऐसा क्यों बोलेगी, ऐसा कैसे बोल सकता है कोई, है ना, कोई अपना बड़ाई अपने से कैसे कर सकता है ना, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर हम अपनी बड़ाई खुद करते हैं, दैट मींस कि हम प्राउड हैं, हम अपने आप घमंड कर रहे हैं, और घमंड जो है वो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। द प्राउड बर्ड थॉट, अब वो जो गोल्डन बर्ड है, प्राउड बर्ड है, जो घमंडी बर्ड है, उसने सोचा, हु कैन बी माय कंपेनियन, देयर इज नो वन एज गुड लुकिंग लाइक मी, नो वन कैन फ्लाई लाइक मी, और नो और नॉर कैन एनी वन सिंग लाइक मी। उसने बोला, उसने अपने आप में सोच रही है कि कौन मेरा दोस्त बन सकता है यहाँ पे, कोई भी नहीं, देयर इज नो वन एज गुड लुकिंग लाइक मी। तब वो यहाँ सोच रही है कि मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरे जैसा खूबसूरत नहीं है, मेरे जैसा खूबसूरत दिखता ही नहीं है। No one can fly like me, और कोई मेरे साथ मेरे जितना उड़ भी नहीं सकता, मैं जितना अच्छा से उड़ती हूँ उतना अच्छा से कोई उड़ भी नहीं सकता, मेरे जैसा कोई उड़ना ही मतलब पावर ही नहीं किसी के पास उड़ने की, और nor can anyone sing like me, और मेरे जैसा कोई है ही नहीं जो मेरे जैसा गाना गा सके। तो ना ही कोई उड़ सकता है मेरे जैसा, ना ही मेरे जैसा गाना गा सकता है, और ना ही कोई मेरे जैसा खूबसूरत है। वो अपने आप में गर्व कर रही है, अपने आप में घमंड कर रही है, और ऐसा बोल रही है कि कोई मेरा दोस्त नहीं बन सकता। जस्ट देन ही हियर्ड द साउंड ऑफ थंडर, और उसी वक्त उसको बिजली की आवाज सुनाई दी, एंड सॉ ब्लैक क्लाउड्स, और उसने देखा काले बादल, देन देयर वॉज ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और वहां पर अचानक से बिजली चमकी, द वेदर हैड चेंज, और जो मौसम था वो बदल गया अचानक, ए स्टॉर्म वॉज फास्ट अप्रोचिंग, और एक तूफान वहां पे आने वाला था, उसकी तरफ बढ़ रहा था। आई कैन आस्क द लाइटनिंग टू बी माई फ्रेंड, इट हैज ब्रिलियंट लाइट, थॉट द गोल्डन बर्ड। अब गोल्डन बर्ड ने सोचा कि मैं, मेरा कोई दोस्त यहां बन नहीं सकता, तो मैं क्या करती हूँ कि जो लाइटनिंग है, जो बिजली है, इस बिजली के साथ मैं दोस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि यही है, इसके पास में एक ब्रिलियंट लाइटनिंग है, बहुत खूबसूरत लाइटिंग है, तो ये जो चीज है ये मेरे साथ दोस्ती कर सकती है, क्योंकि इसके पास में ब्रिलियंट लाइटिंग है। तो उसने ये सोच करके, उन्हें नहीं, ये जो बिजली है ये मेरी दोस्त बन सकती है, थॉट द गोल्डन बर्ड। गोल्डन बर्ड ने ऐसा सोचा। इट स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर इन द स्काई, और फिर वो आकाश में ऊंचाई पर और बहुत ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर दी। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55। द बर्ड वेयर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट, अब जो चिड़िया थी जो उड़ रही थी इधर उधर घूम रही थी, वो एकदम मौसम बदलने पर सब लोग रिटर्न लौटने लगे अपने घरों में, अपने नेस्ट में, क्योंकि मौसम बदल रहा है भाई, अब तो तूफान आने वाला है। दे टोल्ड द गोल्डन बर्ड टू कम बैक, अब उन लोगों ने गोल्डन बर्ड को ये बात समझाई कि भाई लौट जाओ, जबकि वो सुन नहीं रही है, जबकि वो सब लोग उससे कोई बात नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं करता है, वैसे भी घमंडी लोग से कौन बात करता है, राइट? कमेंट करके बताएंगे आप लोग के फ्रेंड में कौन है। तो सारे बर्ड्स ने, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने बोला इसको, गोल्डन बर्ड को, और ये तो गोल्डन बर्ड क्या कर रही थी, हायर और हायर और हायर उड़ रही थी, और उड़ करके वो लाइटनिंग के पास जाना चाहती थी।
सभी लोग जब सारे बर्ड्स जो रिटर्न लौट रही थी अपने घोंसलों में लौट रही थी, तो रिटर्न लौटने के दौरान ही उन लोगों ने गोल्डन बर्ड को भी समझाया कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, अभी मौसम बदल रहा है भाई, मौसम बदल रहा है, लौट जाओ अपने घर पे लौट जाओ। लेकिन बट इट सेड, अब उस चिड़िया ने क्या कहा, उस गोल्डन बर्ड ने क्या कहा, आई एम सो प्रिटी एंड आई फ्लाई सो फास्ट, नो स्टॉर्म विल हार्म मी। उसने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत तेजी से उड़ सकती हूं, ये तूफान उफान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने ऐसा कहा कि तूफान से ज्यादा तेज तो मैं उड़ सकती हूं, तो ये तूफान मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मेरा चिंता मत करो, तुम अपना जाओ घर घर में घुसो, ऐसा शायद वो बोली होगी। द ट्री इन द फॉरेस्ट टोल्ड द प्राउड बर्ड टू हाइड इन इट्स लीव्स। अब उस फॉरेस्ट का जो बड़ा सा पेड़ था, कई सारे पेड़ होंगे, उन पेड़ों में से कुछ पेड़ों ने कहा इस चिड़िया को कि नहीं 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 तुम उतना ऊपर मत उड़ो, तुम ऐसा करो कि आ जाओ नीचे और पत्तों में छिप जाओ, मेरे मेरे पेड़ में, मेरे पेड़ों के पत्तों में छिप जाओ, ताकि ये तूफान से तुम बच जाओ, ऐसा उसने कहा। It repeated the same answer. पेड़ को भी उसने सेम ही आंसर दिया जो पेड़ ने उसको समझाया था, उसको भी वही आंसर दिया, कहा क्या, I am so pretty. उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी हूं, and I fly so fast. और मैं बहुत तेजी से उड़ सकती हूँ, and no storm will harm me. और कोई तूफान मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तूफान मुझे हरा नहीं सकता या फिर मेरा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा उसने कहा। द क्लाउड्स टोल्ड इट्स टू गो बैक एंड इट अगेन सेड द सेम थिंग। और बादलों ने उससे कहा, बादलों ने उससे कहा कि लौट जाओ लौट जाओ, तुम लौट जाओ वापस अपने घर पे। लेकिन उसने बादलों को भी सेम ही बात कही, क्या बात कही, आई एम सो प्रिटी And I fly so fast, no storm will harm me. मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत तेजी से उड़ सकती हूं, और कोई तूफान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो उसने चिड़िया लोग को भी सेम बात कही, पेड़ को भी, पेड़ ने समझाया तो पेड़ को भी सेम बात कही, और फिर बादलों ने जब उसको समझाया, जब वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई तो बादल मिले वहां पे, बादलों ने भी, ये देखिए यहाँ पे बादल ने भी समझाया, तो उसने भी वही बात कही। अब क्या हुआ, इट लिसेंड टू नो वन, और उसने किसी की बात नहीं मानी। इट वेंट ऑन फ्लाइंग हायर एंड हायर, और वो क्या कर रही थी, ऊंचाई और ऊंचाई पर उड़ना चाह रही थी और बहुत तेजी से ऊंचाई पर उड़ रही थी। द स्टॉर्म ग्रू वेरी वायलेंट, और जो तूफान था वो बहुत ही उग्र हो गया, बहुत ही खतरनाक हो गया। द विंड ब्लू सो फास्ट दैट द गोल्डन बर्ड वॉज टॉस्ड हेयर एंड देयर, और तूफान जो था, जो हवाएं जो थी वो बहुत तेज चलने लगी, बहुत तेज। और जो चिड़िया थी वो टॉस्ड होने लगी इधर उधर, मतलब उछल गई इधर उधर, मतलब फेंकाने लग गई इधर उधर। इट लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इटसेल्फ, और उसने अपने आप पर कंट्रोल खो दिया, मतलब उसका जो उड़ना था उस पर कंट्रोल, अब इधर उधर फेंका रही है तो कहां से उड़ने सकेगी, राइट, तो उसने अपने आप पे कंट्रोल खो दिया। देन इट बिगिंस टू रेन, और उसके बाद बारिश होने लग गई। द पुअर बर्ड वॉज वेट ऑल ओवर, कोल्ड एंड वेट एंड शिवरिंग इट कुड नॉट फ्लाई, और वो जो चिड़िया थी वो पूरा भींग गई बारिश में, इतनी तूफान चल रहा है और तूफान में हवा में वो उड़ ही नहीं पा रही है, वो इधर से उधर उछल रही है, कूद रही है, गिर रही है। और हुआ क्या कि वो जो चिड़िया थी वो भींग गई पूरी, पूरा कंप्लीटली भींग गई, और भींगने के बाद पूरे ठंडे से और भींगने की वजह से वो पूरा शिवरिंग करने लगी, पूरा हिलने डुलने लगी, और फिर वो उड़ नहीं पाई, फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। The wind tossed it on the earth, और उस हवा ने, उस तूफान ने उसको धरती की तरफ गिरा दिया।
When the rain and the storm stopped, the golden bird saw that it had lost its golden feathers. और वो जब धरती पर पटक दिया उसके ऊपर से जमीन की तरफ गिरा दिया उसको, अच्छी बात ये थी कि वो बच गई उतने तूफान में। और जब तूफान खत्म हुआ, जब बारिश खत्म हुई, तब गोल्डन बर्ड ने क्या देखा? देखा क्या कि उसके जो गोल्डन फेदर्स थे, उसके जो सुनहरे पंख थे, वो खत्म हो गए, वो लॉस्ट हो गए, वो नष्ट हो गए, उखड़ गए, फेंका गए पूरे। सैडली इट केम बैक टू नेस्ट, और बड़े दुख के साथ वो अपने घोंसले पर पहुंची। अब पता नहीं कैसे पहुंची होगी, लुढ़कते लुढ़कते पहुंची, उड़ तो नहीं सक पा रही होगी क्योंकि उसके सारे फेदर्स तो निकल गए होंगे, है ना, तो उसके सारे पंख खत्म हो गए, तो पैदल चल के पहुंची होगी बड़ी मुश्किल से, दुख के साथ में। और जब वो वहां पे पहुंची तो उसने देखा द नेस्ट वॉज ऑल ब्रोकन, और उसका जो घोंसला था वो पूरा टूट चुका था। द स्ट्रॉ एंड ट्विंग्स हैड स्कैटर्ड, और उसके जो घोंसले के जो तिनके तिनके हो गया था, मतलब बिखर गया था पूरा, उसका जितने भी तिनके थे, जो भी चीजें उसने घोंसले में सजा के रखी थी, वो सब कुछ बिखर गया था, सारा तिनका बिखर गया था, तिनकों से तो घोंसला बनता है, तो वो सारा कुछ बिखर गया था। इट फाउंड ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वेर सेफ इन देयर नेस्ट, और उसने पाया सारी जो चिड़िया थी उस पेड़ की, वो बहुत ही सुरक्षित थी अपने घरों में, अपने घोंसलों में। तो बाकी सारी चिड़िया सुरक्षित थी अपने घोंसलों में, और इसने क्या बेवकूफी की थी, गई थी ऊपर आकाश में उड़ने के लिए, है ना, और हुआ क्या ये उसके साथ, उसके सारे पंख भी खत्म हो गए और उसका नेस्ट भी, उसका घोंसला भी टूट गया। दे वेर सिंगिंग एंड होपिंग अबाउट ऑन इट्स ब्रांचेस, और जब मौसम खत्म होने के बाद, बारिश तूफान खत्म होने के बाद बहुत शांत हो जाता है मौसम, बहुत सुनहरा मौसम हो जाता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है। आप देखे होंगे जब बारिश होती है, बारिश खत्म होती है, उसके बाद चारों तरफ का मौसम बहुत ही ब्राइट हो जाता है, मौसम में जो वातावरण के धूल कण है वो भी क्लियर हो जाते हैं, दूर तक क्लियर दिखाई देता है, पेड़ों पर बहुत ग्रीनरी आ जाती है, पौधे मुस्कुराने और लहलहाने लगते हैं, फसलें लहलहाने लगती हैं, सब तरफ पानी पानी खूबसूरत हो जाता है अगर पानी उतर जाए तो, है ना। तो जब ऐसा मौसम हो गया तो सारी चिड़िया क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, नाच रही थी, उछल कूद कर रही थी, मस्ती कर रही थी, खुशी मना रही थी। और वहीं पर गोल्डन बर्ड के साथ क्या हुआ था, सभी लोग खुशियां मना रहे थे और ये दुखी थी, ये परेशान थी, इसने एक बेवकूफी की, इसने दोस्तों की बात नहीं मानी, बड़ों की बात नहीं मानी, किसी को ये नहीं किया, परेशान। When they saw the condition of golden bird, जब उसने देखा कि गोल्डन बर्ड की कंडीशन, जब उसने देखा कि गोल्डन बर्ड की जो कंडीशन है, और दूसरी चिड़ियाओं ने जब ये देखा कि गोल्डन बर्ड की क्या कंडीशन है, When they saw the condition of the golden bird, they laughed at it. जब उन लोगों ने देखा गोल्डन बर्ड की कंडीशन, तो वो मुस्कुराने लगे, वो लोग हंसने लगे उसके ऊपर, क्योंकि उसके पूरे पंख टूट चुके थे, वो बिखरती हुई एकदम गुड़ी मुड़ी होकर के पहुंची होगी घर बड़े मुश्किल से, तो वो क्या किए, पूरा एकदम उसके ऊपर हंसने लगे। बट वेन द सीनियर बर्ड केम, लेकिन जब सीनियर बर्ड आई, वहां की जो बुजुर्ग चिड़िया थी वहां की, वो जब वहां पे आई, तो केम एंड हेल्प्ड इट टू मेंट इट्स ब्रोकन नेस्ट, तो जब सीनियर बर्ड आई वहां पर, तो उसने मदद की इसके टूटे हुए घोंसले को बनाने में, इसका घोंसला जो टूट गया था उसको बनाने में। दे ऑल्सो ऑफर्ड इट्स फूड, और फिर उस बुजुर्ग चिड़िया ने उसको खाने भी दी, खाने के लिए भी ऑफर किया कि लो भाई खा लो। तो यहाँ पर अगर वो सीनियर बर्ड भी इसको छोड़ देती तो इसके साथ क्या होता, ये तो सुसाइड कर लेती जाके, है ना, क्योंकि इसका घोंसला टूट गया, इसका पंख उंख भी चला गया, इसका सारा कुछ, अब ठंडा में ठिठुर रही है, खाने को कुछ है नहीं, तो एकदम पूरा डिमोलाइज हो जाती। लेकिन सीनियर बर्ड ने एक सही काम किया, उसने क्या की, मदद की इसकी,
इसके घोंसले को बनाया, मदद किया उसके साथ में मिलकर के घोंसले को फिर से बनाया, उसको खाने के लिए ऑफर किया. द गोल्डन बर्ड हैड न्यू गोल्डन फेदर्स. अब कुछ दिनों बाद, काफी टाइम हुआ उसके बाद, गोल्डन बर्ड्स के न्यू गोल्डन फेदर्स निकल आए, नए फेदर्स निकल आए, वहां से नए फेदर हो गए. बट इट वॉज नो मोर ए प्राउड बर्ड. लेकिन वो अब प्राउड बर्ड नहीं रही. जब उसके गोल्डन फेदर्स वापस फिर से निकल आए, जब उसने नुकसान हो करके कुछ सीखा, अब वो उतनी घमंडी नहीं रही, वो अब घमंडी बर्ड नहीं बची बनी. इट वॉज फ्रेंडली, कोऑपरेटिव एंड लविंग. और वो दोस्ताना उसका व्यवहार हो गया, कोऑपरेटिव हो गई, दोस्त सबके साथ मिलजुल के रहने वाली हो गई और सभी से प्रेम करने वाली हो गई. तो गोल्डन बर्ड को अपना एहसास हो गया, खुद में एहसास हो गया. जब उसके पंख टूट गए, जब बाकी सब चिड़ियाओं ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, सब लोग उसके साथ मदद की होगी, जब तक इसके पंख नहीं निकले होंगे, सब कोई उसकी मदद करते होंगे, खाना वाना ला देते होंगे, क्योंकि ये खुद से तो जाके नहीं ला पाती होगी. तो बाकी लोगों ने जब उसकी मदद की, तब इसको एहसास हुआ कि ये पंख कोई काम का नहीं, इतना तेजी से उड़ना कोई काम का नहीं, इतनी बुद्धिमानी, ज्ञान, शिक्षा कोई काम की नहीं, अगर हम अपने दोस्तों की, अपने परिवार वालों की, अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करते हैं. मेरा पैसा, हमारा जो भी पैसा है, वो किसी काम का नहीं है अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद ना कर पाए तो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे घर वाले हो, हमारे पड़ोसी या हमारे दोस्त. उस पैसे का क्या मोल, अगर हम बहुत, हमारे पास अगर बहुत पैसा है, तो उस पैसे का क्या मोल जब वो किसी किसी की मदद ना कर पाए, है ना. उसको बैग में और बक्से में या फिर अलमारी में या फिर तिजोरी में रखने पर कोई फायदा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, है ना. लेकिन अगर उससे हम किसी को मदद करते हैं, उससे दुआएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी, हो सकता है वो पैसे भी वापस मिल जाए, है ना. पैसे मिल जाए, फिर दुआएं मिले, फिर एक नया दोस्त बन जाए, एक नया परिवार बन जाए, राइट. तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें दोस्तों की, अपने लोगों की, अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, या जो भी कोई है, जो जिसको जरूरत है, उन सभी की मदद करनी चाहिए. और हमें अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए, अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे हम कोई खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे हम बहुत ही स्मार्ट क्यों ना हो, मतलब बहुत कुछ जानते हो, बहुत क्वेश्चन से रट लेते हो, आसानी से रट लेते हो, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे हमारे क्लास में ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े कमजोर हैं, चीजों को याद नहीं कर पाते, थोड़ा लेट से याद करते हैं. लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तुरंत उनको चुटकी में याद होता है, एकदम चुटकी बजाते साथ याद हो जाता है, राइट. तो क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गर्व करें, अरे हम छोड़ो ना, हम कर लेंगे, है ना, हमसे तो हो जाएगा, छोड़िए ना सर, पढ़ाइए पढ़ाइए, आगे चलिए. ऐसा नहीं है ना, आपको अपने आप पे गर्व नहीं करना चाहिए, एकदम घमंड नहीं होना चाहिए. हाँ, आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बहुत अच्छा जानते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, समझाएं. आप किसी को अगर कहते हैं कि अगर हम अपना ज्ञान किसी को बांटेंगे तो वो घटने के बजाय बढ़ेगा. यही एक ऐसी चीज है जो किसी को देने से बढ़ जाती है, है ना. पैसा अगर हम किसी को देंगे तो मेरे पास कम हो जाएगा, कोई भी चीज अगर हम किसी को देंगे तो मेरी चीज उसके पास पहुंच जाएगी, मतलब मेरे पास कम हो जाएगा. लेकिन अगर हम किसी को बुद्धि, ज्ञान, समझ अगर हम किसी को बांटते हैं, तो वो ज्ञान जो है, हमारा ज्ञान घटने के बजाय बढ़ जाता है. तो इसीलिए हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, पढ़ाने या फिर पढ़ने या समझने में किसी चीज में. अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड्स को मदद कीजिए जो कमजोर है, ताकि इससे क्या होगा, आपका भी फायदा होगा, आप खुद में भी और स्ट्रांग बनेंगे. तो आप अपने से, अपने छोटे भाई बहन जो हैं, उनको जरूर पढ़ाइए, उनको बताइए, समझाइए. ऐसा नहीं कि यार टीचर हैं वही बताएंगे, नहीं, आप भी बताइए उसको, समझाइए, इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा. उसके बाद तो इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा, इट हैड लर्न इट्स लेसन दैट. और चिड़िया ने इससे क्या सीखा, चिड़िया ने क्या सीखा, अपना लेसन क्या सीखा, प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल. गिरने से पहले घमंड आता है, है ना. तो और गिर करके कोई चीज सीखता है,
गिरने से पहले घमंड आता है और गिरने पर कोई सीखता है। जब तक गिरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, ऐसा भी होता है। तो गिर करके ही सीखते हैं। गिरने से पहले अगर घमंड आता है तो हम अपने आप को रोक सकते हैं। अगर हम घमंडी ना बने तो हम गिरेंगे ही नहीं। अगर हम घमंडी बनेंगे तो जरूर से जरूर उसकी तरह, उस चिड़िया, गोल्डन चिड़िया की तरह टॉस्ट होके गिर जाएंगे। राइट, सो आई होप यू लव दिस स्टोरी। मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ओके, सो अगर आप कोई चीज भूल गए या छूट गया है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, सो योर होमवर्क इज, अरे हाँ, यहाँ पे एक और बात है। रावण, रावण के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। यू मस्ट ऑल हैव हियर्ड द नेम ऑफ रावण। आप सभी लोग रावण जी, रावण के बारे में जानते ही हैं। ही वॉज द ग्रेट डेमन किंग ऑफ लंका, और वो जो थे वो असुरों के राजा थे लंका में। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज किंगडम, वॉज मेड ऑफ गोल्ड, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे अपने राज्य में, और उन्होंने अपना पूरा जो राज दरबार जो था वो बनाया था पूरा गोल्ड से, सोने से उन्होंने अपना पूरा राज दरबार बनाया था। मतलब उसका जो राजधानी थी वो पूरे गोल्ड की ही थी। He had many great qualities, और उनके पास में बहुत सारी qualities थी। He was brave warrior, a great scholar, and a very wise politician. और वो एक बहादुर योद्धा थे, उनके पास बहुत सारा ज्ञान था, बुद्धि थी, और वो बहुत ही बुद्धिमान पॉलिटिशियन भी थे। मतलब एक बहुत बुद्धिमान एक राजा भी हुआ करते थे। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल सच क्वालिटीज ही वॉज डिस्ट्रॉयड। इतनी सारी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी वो नष्ट हो गए, उनको वध कर दिया गया। बिकॉज ही वॉज प्राउड, बिकॉज ही वॉज प्राउड, क्योंकि वो बहुत घमंड करते थे अपने आप पे। ही थॉट नो वन कुड हार्म हिम, और वो क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि कोई उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई उसको मार नहीं सकता, कोई उनको हरा नहीं सकता। सो ही स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग एक्ट, और फिर जब उनके पास घमंड आ गया तब वो गलत गलत काम करने लग गए। अब उस ताकत का फायदा उठा रहे थे, वो रॉन्ग एक्ट करते थे। ही ट्रबल्ड द संत, और वो महात्माओं को, संत लोगों को परेशान करने लग गए। ही डिस्टर्ब द पीसफुल लाइफ ऑफ सेज्स, और जो साधु होते हैं उनको, उनकी जीवन को डिस्टर्ब करने लग गए, उनके शांति भरे जीवन को डिस्टर्ब करने लग गए। वर्स्ट ऑफ ऑल ही ब्रॉट सीता टू लंका अगेंस्ट हर विश, और इस सभी से बुरा उन्होंने क्या किया, सीता जी को उठा करके ले आए लंका में, अपने राज्य में, उनकी इच्छा के बिना। मतलब जबरदस्ती उठा करके सीता जी को लंका ले आए वो। ही फॉरगॉट गुड बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, That brought about his end. और उन्होंने, उनका जो अच्छा बिहेवियर था, इतना ज्ञान होने से अच्छा बिहेवियर आता है, तो उनका जो अच्छा बिहेवियर था वो अब भूल गए, और फिर उन्होंने क्या किया, भूल गए, वो सारा कुछ भूल गए, और वो इसलिए भूल गए क्योंकि वो घमंडीपना से भूल गए, वो अपने घमंड से वो भूल गए वो सारा चीज, अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड, अरे कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा सोच के दैट, और यही चीज उसके जीवन का अंत हो गया। इसी वजह से उनका जीवन का अंत हो गया। सो वन शुड नेवर गो ऑन द रॉन्ग पाथ, तो हमें भी किसी रॉन्ग पाथ पर नहीं जाना चाहिए, किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए अगर हमारे पास कोई एबिलिटी है तो। ठीक है, so your homework is question number 1, complete the sentence by choosing the correct option. ये वाला question है, इसको आपको complete करना है। ठीक है, so now this is for all today students, so keep learning, keep studying and be safe. Have a great day. Thank you for watching.